या राज, जिला प्रशासन हर पल आपके साथ। सीतामढ़ी पहुँचे जोनल DIG रविंद्र कुमार ने सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से पुलिस यात्री सेवा बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्री सेवा बस रात के वक्त यात्रियों को सुरक्षित उनके स्थान तक पहुंचाएगी। इस बस में एक महिला पुलिस कांस्टेबल, एक पुरुष पुलिस कांस्टेबल तथा एक ऑफिसर रहेंगे। सीतामढ़ी में अक्सर रात के वक्त यात्रियों से लूटपाट के मामले सामने आते रहे हैं, साथ ही देर रात्रि वाहनों की भी समस्या होती थी, लेकिन इस सेवा से शहरवासी काफी प्रसन्न हैं एवं जिला प्रशासन को इसकी बधाई दे रहे हैं। प्रयास प्रशासन द्वारा जो किया गया है बहुत ही बेहतर है और इससे कानून सुचारू रूप से चलेगा, यात्री बिल्कुल सुरक्षित अपने घर पर पहुंच जाएंगे। तो आप क्या चाहेंगे, और बसें बढ़ाई जाए? और बसें बढ़ जाएगा तो प्रशासन के द्वारा जारी सेवा बेहतर होगा। बिहार पुलिस के द्वारा पहल किया जा रहा है रात्रि में स्टेशन से शहरी क्षेत्रों में रात भर बस भ्रमण करेगी। रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ये बस सेवा लगातार चलती रहेगी। जो भी यात्री जो रात में ठहर जाते हैं, किसी भय से नहीं जाना चाहते हैं, उनको सही सलामत पुलिस के द्वारा उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचाया जाएगा। सर, इस बस में लेडीज़ कांस्टेबल भी रहेंगे? लेडीज़ कांस्टेबल भी है और जेंट्स कांस्टेबल भी। सर, इस बस की टाइमिंग भी होगी? हाँ, 11 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे ये लगातार चलते रहेंगे। शहर के अंदर जो जो स्टॉपेज बनाए गए हैं वहाँ पहुँचने की टाइमिंग होगी या सीधा रन करती रहेगी? रन करते रहेगी, जो भी लोग बैठेंगे जहाँ जाना चाहते हैं शहर के अंदर वो वहाँ पहुँचाया जाएगा। एक भी आदमी रहेगा तो उसको पहुँचाएगा। सर, एक मेन रोड में ही आपका अनाउंसमेंट करें सर, और डुमना की तरफ? अभी तो प्रयास स्टार्ट किया गया है, जैसे जैसे इसमें जैसे जरूरत महसूस होगा उसी तरह से इसका रूट को भी हम निर्धारित करेंगे।